सामने आज मैं बनाना सिखाऊंगी जंजीरे का पानी, पानी पूरी का पानी, गोलगप्पे का पानी, कोई कुछ का बोलता है गोलगप्पे, उसका पानी बनाऊंगी मैं। तो मैंने लिया ये सौंफ लिए, धनिया लिया है, काली मिर्च ली, ये मैंने भून ली है और इसका मसाला बनाऊंगी पानी पूरी का। इसको पीस लेंगे और फिर पीसेंगे ये चटनी बनाने इसके मसाले की, और उसको पीस लेती हूँ। ये मसाला हमारा पीस गया, सौंफ, धनिया और काली मिर्च, इसको पलट लेते हैं। ये मैंने दो मिर्च लिए और एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, हरी मिर्च है और अदरक है, और धनिया लिया है मैंने धोकर साफ करके, काट लेते हैं इसको मोटा मोटा, और पेश लेंगे इसको, चटनी मिल जाएगी हमारे, इसका मसाला बन जाएगा। और ये धनिया है, वो पुदीना है, पुदीना की खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये भी पीस लेते हैं, धनिया पुदीना मैंने पीस लिया है, पेस्ट बन गया इसका। अब पानी बनाते हैं अपना, ये मैंने ठंडा पानी लिया है, एक लीटर पानी है, आप कम ज्यादा अपने परिवार के हिसाब से बना सकते हो। ये मेरा इमली फिर लेकर हो गई गर्म पानी में, तो थोड़ा हम इमली पानी डालें खटाई के लिए। बहुत स्वाद पानी बनेगा हमारे, हमने मसाला बनाया था अभी भून कर पीस के, सौंफ और जीरे का पाउडर, और ये मैंने थोड़ी हींग घोल कर रख रखी है, थोड़ा हम हींग का पानी डालेंगे इसमें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। और ये काला नमक है, एक चम्मच काला नमक डालूंगा, छोटी चम्मच मेरी, एक चम्मच सफेद नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, ये चाट मसाला है, एक किलो चाट मसाला डालूंगा, और ये रायता बूंदी है, बहुत अच्छी लगती है। पानी बनके हमारा तैयार, अब आलू मसाला बनाने, वाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है मसालों की, जो ताजे मसाले बनते हैं उसकी बात अलग होती है। ये मैंने आलू लिए उबले हुए, तो मैं थोड़े इसमें चने काले चने डाल लेती हूँ, थोड़ी हम मेरी चटनी बनाई ये डालते हैं, थोड़ा चाट मसाला डालते हैं, ये सादा नमक है, काला नमक है, मिला देते हैं, गोलगप्पों के साथ खाओ। मैंने गोलगप्पे पहले से बनाकर रख रखे हैं, उसके साथ सर्व करूंगी। और भी आप जो भी सामान डालना चाहते डाल सकते हो। खाओ आप, और वीडियो अच्छी लगा तो लाइक शेयर जरूर करें।